अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन जेई 2014 का मेंस का प्रॉब्लम है और इसी तरह का एक क्वेश्चन एडवांस में 1998 या 2000 थाउजेंड के आसपास भी पूछा गया है सब्जेक्टिव में लेकिन वहां पे उस क्वेश्चन पर दो तीन पार्ट थे एक्चुअली तो 2014 में सेम क्वेश्चन ऐसा ही पूछा गया है लेकिन ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है क्वेश्चन का क्वेश्चन को मैं रीड कर रहा हूं और यहां पर मैंने इसका डायग्राम लेके आया है क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देर इज अ सर्कुलर ट्यूब In a vertical plane, two liquids which do not mix and of density d1 and d2 are filled in the tube. Each liquid substance 90 degree angle at the center, each liquid substance 90 degree angle at the center, radius joining their interface makes an angle alpha with the vertical. रेशो ऑफ डी वन बाई डी टू इज तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है क्वेश्चन में बोला गया है कि जो भी ट्यूब है सर्कुलर ट्यूब है इसमें दो लिक्विड को लाके फिल किया गया है और दोनों ही लिक्विड कितना एंगल सब्सटेंड कर रही है ये तो ध्यान रखना ये पूरा जो एंगल है वो 90 डिग्री है सिमिलरली पे जो एंगल आएगा ये पूरा एंगल भी वहां पे क्या होगा 90 डिग्री होगा अच्छा एक जो लिक्विड है दूसरे की लिक्विड की डेंसिटी d2 है अच्छा डायग्राम को देख के पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है किसकी डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए जनरली अगर तुम देखोगे तो डी नीचे की ओर है और डी ऊपर की ओर गया है इसका मतलब है कि एक हमें देख के लग रहा है कि ये जो लिक्विड है उसमें D1 की डेंसिटी क्या होनी चाहिए ज्यादा होनी चाहिए और D2 की डेंसिटी वहां पे क्या होनी चाहिए कम होनी चाहिए वहां पे अब चेक करते हैं कि क्या रिजल्ट आता है क्वेश्चन में क्या बोल रहा है क्वेश्चन में बोल रहा है कैलकुलेट करना है रेशो किसका रेशो हमें कैलकुलेट करना है डी वन बाय का अच्छा जब भी इस तरह के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं तो वहां पर क्या लिखवाया था जब भी हम किसी ट्यूब में चाहे यू ट्यूब हो चाहे ट्यूब का शेप वी शेप में हो किसी भी शेप में हो अगर लिक्विड रेस्ट में है तो वहां मैंने क्या लिखवाया था वहां मैंने लिखवाया था जिस जगह दोनों लिक्विड का इंटरफेस टच कर रहा होगा वहां पे एक लाइन ड्रॉ करो हॉरिजॉन्टली, और उस लाइन पे प्रेशर हमारा क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए तो यहां पे पहले मैंने इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन खींची बताओ ये वो लाइन है कि नहीं है वहां पे? अगर हम बात करें तो ये वो लाइन है जहां पे प्रेशर क्या होना चाहिए सेम देखो है कि नहीं वहां पे? तो जो मैंने येलो कलर की लाइन ड्रॉ करी है वो लाइन है जहां पे दोनों लिक्विड का इंटरफेस टच कर रहा है इसका मतलब है कि यहां पे दोनों का प्रेशर क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए वहां पे अब क्या करो यहां पे एक लाइन ड्रॉ करो इस तरह से हॉरिजॉन्टल जरा अब चेक करो जरा यहां पे एंगल कितना आएगा यहां पर अगर हम एंगल को रिलेट करना स्टार्ट करें तो चेक करो यहां पे ये लाइन वर्टिकल है कि नहीं वहां पे और वर्टिकल से अल्फा एंगल फॉर्म कर रही है तो ये एंगल 90 माइनस अल्फा होगा तो ये एंगल वहां पे अल्फा होगा कि नहीं होगा वहां पे अच्छा अब ये एंगल अगर अल्फा होगा तो इस साइड तो यहां पे क्या होगी एयर होगी तो मान लो यहां प्रेशर है पी नॉट यहां पे भी प्रेशर कितना होगा यहां भी प्रेशर होगा पी नॉट कोई जरूरी नहीं कि पी नॉट वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा तो हमने मान लिया कि यहां पे प्रेशर पी नॉट है तो यहां प्रेशर पी नॉट होगा क्योंकि ये पूरा तो वहां पे क्या है एयर है वहां पे अच्छा प्रेशर जो रहता है वो डेप्थ के साथ लिक्विड में बढ़ता है और इक्वेशन याद होगी इक्वेशन लिखते थे डेप्थ के साथ पी इक्वल्स टू पी नॉट प्लस रो इन जी इंटू एच इक्वेशन बताती है कि लिक्विड में डेप्थ के साथ प्रेशर क्या हो रहा है इंक्रीज कर रहा है वहां पे। अच्छा डेप्थ को देखो जरा वहां पे, सबसे पहले यार अब बताओ डेप्थ अगर चेक करोगे तो ये अगर रेडियस हमने मान लिया आर ये अल्फा तो चेक करो ये जो हाइट आएगी बताओ वो हाइट यहां पे आर साइन अल्फा होगी कि नहीं होगी वहां पे अच्छा ये हाइट अगर आर साइन अल्फा होगी तो अब ये हाइट चेक करो जरा कलर में अलग यूज कर रहा हूं वहां पे अब इस हाइट को देखो जरा बताओ ये हाइट क्या होगी ये रेडियस आर यहां पे अगर जाओगे कॉस 90 माइनस अल्फा साइन अल्फा दे देगा और यहां पे ये जो हाइट आएगी वो चेक करो यहां पे आर कॉस अल्फा होगी कि नहीं होगी वहां पर देखो यार 90 माइनस अल्फा 90 अल्फा तो ये आर कॉस अल्फा हो रहा होगा इसका मतलब है कि लेफ्ट साइड अगर यहां पे हम प्रेशर बोल रहे हैं कितना है पी तो यहां पे भी प्रेशर कितना होगा पी होगा वहां पे अच्छा सबसे पहले राइट साइड का प्रेशर लिखते हैं तो राइट साइड का जो प्रेशर रहेगा वो हो जाएगा प्रेशर पी नॉट प्लस रो जी एच डेंसिटी क्या है रो रो का मतलब d2 टू इंटू जी हाइट कितनी आर साइन अल्फा प्लस फिर यहां पे डेंसिटी कितनी यहां पे डेंसिटी d2 टू रो इंटू जी इंटू आर कॉस अल्फा बताओ इसको इक्वेशन वन बोलो ही नहीं बोलोगे तो ये राइट साइड का प्रेशर हुआ कि नहीं हुआ वहां पे प्रेशर वहां पे अच्छा अब हमें लेफ्ट साइड का प्रेशर देखना है तो लेफ्ट साइड का अगर प्रेशर देखना है तो यहां पहले एक लाइन खींचो जरा अब बताओ ये एंगल अगर अल्फा है तो ये एंगल 90 माइनस अल्फा है कि नहीं वहां पे? और ये अगर 90 माइनस अल्फा है तो चेक करो ये जो हाइट बनेगी यहां से लेके यहां तक इस हाइट को देखो जरा बताओ इस हाइट को वहां पे हम आर कॉस 90 माइनस अल्फा चेक करो वहां पे आर साइन अल्फा बोलेंगे या नहीं बोलेंगे वहां पे थोड़ा सा तुम्हें ध्यान देना है वहां पे कौन सी हाइट की हम बात कर रहे हैं तो यहां तक की जो हाइट है यह हाइट हो जाएगी वहां पे आर अल्फा ये एंगल अल्फा ये 90 माइनस अल्फा तो R कॉस 90 माइनस अल्फा R साइन अल्फा हो जाएगा वहां पे अच्छा अब उसके बाद ये हाइट भी हमें कंस्टर करनी है कि नहीं कंस्टर करनी है तो अब इस हाइट को देखो जरा ये हाइट को बताओ अगर इस हाइट की बात करें तो चेक करो इस हाइट को कैसे रिलेट करें वहां पे अगर इस हाइट को अगर हमें रिलेट करना है देखो यही होगा कि नहीं होगा वहां पे पहले जब हम हाइट को लेने जाएंगे तो पहले तो हमने यहां से लेके यहां तक की हाइट ली फिर उसके बाद यहां से लेके यहां तक की हाइट लेंगे और चेक करो जरा ट्रिग्नोमेट्री से ये जो हाइट आएगी बताओ ये हाइट आर कॉस अल्फा पर जरूरत पड़ेगी क्या हमें यहां तक की हाइट की ठीक है तो यहां पे हम लिख दें ये हो जाएगी पूरी हाइट यहां से यहां तक या आर कॉस अल्फा माइनस आर साइन अल्फा चेक करो ये होगा कि नहीं होगा ये पूरा प्रोजेक्शन हो जाएगा आर कॉस अल्फा ये आर साइन अल्फा तो ये जो हाइट रहेगी वो आर कॉस अल्फा माइनस आर साइन अल्फा हो जाएगी इसका मतलब है कि लेफ्ट साइड जो प्रेशर की इक्वेशन लिखोगे प्रेशर की इक्वेशन लिखी जाएगी पी नॉट डेंसिटी कितनी रो इन टू जी और ये जो हाइट आ रही है वो आ रही है वहां पे आर बाहर निकाल लो तो ये हो जाएगी कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा ये हो गई इक्वेशन टू देखो है कि नहीं वहां पे अब दोनों साइड वहां पे हम क्या करें इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करो तो पी नॉट पी नॉट वहां पे क्या होगा कैंसल आउट होगा अब इक्वेशन क्या बनेगी इक्वेशन बनेगी डी टू जी आर कैंसिल आउट होगा तो रिजल्ट होगा साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा देखो है कि नहीं वहां पे साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा डी टू बाहर निकल के आएगा वहां पे है ना और राइट हैंड साइड जाएंगे तो वहां पे आएगा डी वन जी आर कैंसल आउट होगा रिजल्ट होगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा हमें किसका रेशियो कैलकुलेट करना है हमें रेशियो कैलकुलेट करना है डी वन बाय डी टू का तो ये रिजल्ट क्या हो गया रिजल्ट हो गया साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा अपॉन क्या हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा देखो इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा हे अब अगले स्टेप में हम साइन अल्फा किससे डिवाइड करें कॉस अल्फा से अगर डिवाइड करेंगे तो ऊपर वाली टर्म हो जाएगी वन प्लस टेन अल्फा कॉस अल्फा से डिवाइड कर रहे हैं तो वन प्लस टेन अल्फा अपॉन ये हो जाएगा वन माइनस टेन अल्फा अब चेक करो वहां पे अल्फा की कुछ वैल्यू आएगी तो ये वैल्यू तो वन के साथ ऐड हो रही होगी यहां पे ये वैल्यू क्या होगी वन से छोटी होगी तो चेक करो वहां पे जो डी वन रहेगा डी वन बाय डी टू का अगर रेशियो चेक करोगे तो चेक करो डी वन वहां पर ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा वहां पर डी टू से वहां पे देखो ऐसा है कि नहीं वहां पे लेकिन क्वेश्चन में ये तो बात नहीं कर रहा है कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी वैल्यू छोटी है क्वेश्चन में केवल क्या पूछा गया था क्वेश्चन में पूछा गया था रेशो तो जो आंसर है करेक्ट वो होगा वन प्लस टेन अल्फा अपॉन वन माइनस टेन अल्फा मैं केवल ये बोल रहा हूं कि ये वैल्यू नीचे वाली वन से छोटी आएगी तो ये वैल्यू और बढ़ जाएगी यहां पर और ये वैल्यू अगर और बढ़ेगी इसका मतलब है कि d1 जो रहेगा वो d2 से क्या होगा ज्यादा होना चाहिए और ऐसा डायग्राम में देख के लग भी रहा है कि जब इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी तभी ये लिक्विड क्या होगा ऊपर की ओर राइस करेगा तो जो चार ऑप्शन थे उसमें से एक ऑप्शन था वन प्लस टेन अल्फा अपऑन वन माइनस टेन अल्फा ठीक है तो इतना नोट डाउन कर लो वहां पर